तो दोस्तों अगर आपके डिवाइस में HyperOS अगर रन कर रहा है तो आपको होम स्क्रीन में इस प्रकार से सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें आप एप्लीकेशन का फोल्डर को बंद कर सकते हैं, एप्लीकेशन के कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे विजेट देखने मिलेगा और इस प्रकार का दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस प्रकार का कंट्रोल पैनल यहाँ पे शो हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विजेट वाले में आप देख सकते हैं, न्यू विजेट यहाँ पे देखने मिलता है, जिसको आप यहाँ पे होम स्क्रीन में एड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपका डिवाइस काफी पुराना है जिसमें MIUI 13 या MIUI 14 रन कर रहा है, उसमें दोस्तों इस फीचर को कैसे आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देखें तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ, इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है अगर आपका पुराना डिवाइस है। और कंट्रोल पैनल अगर आप देखें तो इस प्रकार का पुराना आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने मिलेगा, ब्लर इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं होता है। देन विजेट वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो विजेट वाले सेक्शन में जाने के बाद पुराना विजेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे विजेट कैसे लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने मोबाइल में वाईफाई या मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिलेगा, इसको दोस्तों आपको यहां पे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है ऐप बोल्ट, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यहां पे लिखना है ऐप बोल्ट। और ऐप बोल्ट दोस्तों जैसे आप यहां पे लिखिएगा, लिखने के बाद सर्च पे जाइएगा तो एक एप्लीकेशन ऐप बोल्ट का आपको यहां पे इंस्टॉल किया रहेगा, देख सकते हैं ये इंस्टॉल किया रहेगा। और दूसरा एप्लीकेशन आपको ऐप बोल्ट का ऑफिशियली देखने मिलेगा, ग्लोबली देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने में दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको यहां पर इंस्टॉल कर लेना है, तो इस एप्स बोल्ट वाले ऑप्शन को आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना है। जब दोस्तों आपका यहां पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कुछ सेटिंग को आप इनेबल कीजिएगा, तभी आप यहां पर विजेट को यूज कर पाइएगा। देन आपको यहां से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पे अपने मोबाइल में सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर। जैसे दोस्तों आप यहां पे एक्टिविटी लॉन्चर सर्च कीजिएगा, 1 MB का देखने मिलेगा, उसको आपको वहां से इंस्टॉल कर लेना है। देन उसको दोस्तों आपको यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा, लोडिंग होना चालू हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहां पर लिखना है पीकर। तो जैसे मैं यहाँ पे पीकर लिखूंगा, पीकर लिखने के बाद दोस्तों आपको एप्स बोल्ट का दो ऑप्शन देखने मिलेगा, तो सिंपली क्या करना है, जिस पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको सेकंड में एक ऑप्शन मिलेगा speaker.business.home.page, ये जो ऑप्शन मिला है सेकंड वाला, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा, और आपको यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे विजेट देखने मिल जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जैसे आप विजेट वाले सेक्शन में जाते हैं, और विजेट वाले सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों अगर एड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल में ये विजेट यहाँ पे एड नहीं हो रहा है। तो एड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फिर से आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में, और होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और अगर आपका ये नन या गूगल डिस्कवर पे सेट किया हुआ है, तो इसको आपको एप्स बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फिर से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करना है, पीकर बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने पर फिर से आपको नीचे जाना है, एप्स विथ मल्टीपल विजेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने पर मान लीजिए क्लॉक अगर आपको लगाना है, क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको एड टू होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं ये क्लॉक यहाँ पे एड हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लॉक एड कीजिएगा, तो होम स्क्रीन में देख सकते हैं ये क्लॉक आपका यहाँ पे एड हो जाता है। देन उसके बाद दोस्तों अगर आपको पुराना यहाँ पे विजेट लगाना है, तो विजेट वाले सेक्शन में जाइएगा, तो यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट विजेट पुराना वाला लगा सकते हैं, या दोस्तों डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इस ऑप्शन में जाइएगा तो इसमें आप बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे में जाइएगा, तो आपको यहां पे देख सकते हैं नया तो विजेट देखने को मिल रहा है, साथ में ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां पे पुराना विजेट भी देखने मिलेगा, जिसको दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे अपना स्टेप ट्रैकर को यूज करना है, तो नीचे में जाऊंगा, नीचे में जाने के बाद एप्स यहाँ बोल्ट देखने मिलेगा, स्टेप वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो देख सकते हैं इस प्रकार का कैप्सूल वाला आपको यहाँ पे स्टेप ट्रैकर देखने मिलेगा, जिसको यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा में यूज करना है तो नए विजेट को आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। पहला सेटिंग तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने में इसका फोल्डर को कैसे आप बड़ा कीजिएगा। तो दोस्तों ये अपडेट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे फोल्डर वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एडिट फोल्डर वाला ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, और इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा
मिलेगा, तो यहाँ पे इनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करके यहाँ पे फोल्डर को भी दोस्तों आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे फोल्डर बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे सेटअप करना अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, बाकी गूगल को सेटअप करना है इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे सेटअप कर लीजिएगा, ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाते हैं, होम स्क्रीन में ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में विथ ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड यहाँ पे देख लेना है, बाकी आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने मिलेगा जिसको दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ में आइकॉन साइज को बड़ा करना है, आइकॉन साइज अगर आपको बड़ा रखना है, थोड़ा बिग साइज में रखना है, इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन साइज दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से आप बड़ा कर पाइएगा। साथ में इस प्रकार से स्क्रॉल करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा सेट डिफॉल्ट स्क्रीन का। सेट डिफॉल्ट स्क्रीन में जो सेट करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन का यहाँ पे जो आइकॉन देखने मिल रहा है कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग में आइकॉन कलर चेंज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीम वाले ऑप्शन में जा सकते हैं और थीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो थीम में आपको बताने वाला, उस थीम को इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहला थीम है कलर एब्स्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन, इसको अगर आप यहाँ पे यूज कीजिएगा और दोस्तों जैसे आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा और अप्लाई करने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे बैक होकर आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए बैक होइएगा तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे थीम देखने मिलेगा और काफी अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट थीम देखने मिलता है, काफी अच्छा और यूनिक देखने मिल जाता है। बाकी इसको आप यहाँ पे सेटअप कर पाइएगा। साथ में कंट्रोल पैनल देखिएगा तो कंट्रोल पैनल में जो आपको ब्लर इफेक्ट शो नहीं हो रहा था, ब्लर इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप अपने मोबाइल को इस प्रकार से हाइपर एस वाला जो फीचर देखने मिलता है होम स्क्रीन सेटअप वाला, इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर पाइएगा।